गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मनीष कुमार तिवारी फ्रॉम द ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है एज। व्हाट इज एज? एज क्या होता है? एज किसे कहते हैं? एज किनारे को कहते हैं। जैसे आपका 2D पिक्चर आ गया या 3D पिक्चर आ गया, इसका जो भुजा होता है वही आपका किनारा कहलाता है, एज कहलाता है। जैसे आयत के पास में 4 किनारे होते हैं, 2 लंबाई के रूप में तथा 2 चौड़ाई के रूप में। अब हम लोग को जानना है कि 3D में एज क्या होता है। देखिए, ये एक क्यूब है, ये जो भुजा है इसी को हम लोग किनारा कहते हैं। तो इसका लंबाई के रूप में 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा, और ये आपका चौड़ाई के रूप में हो गया। तो चौड़ाई के फॉर्म में भी 4 किनारा होता है, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जो ऊंचाई हो गया, ऊंचाई के रूप में भी 4 किनारा हो गया। यानी कि घन और घनाभ में जो किनारों की संख्याएं होती हैं वो 12 होती हैं। कहने का मतलब 4 लंबाई के रूप में, 4 चौड़ाई के रूप में, 4 ऊंचाई के रूप में, टोटल मिला के 12 किनारा। अब बात जानते हैं विकर्ण की। विकर्णों की संख्या कितनी होती है? तो विकर्णों की जो संख्या होती है वो 4 होती है। कहने का मतलब कि कमरे में सबसे लंबा अक्षर किस ढंग से रखा जा सकता है? तो तिरछा तिरछी वाले कोण में एडजस्ट कर करके 4 तरीके से सबसे बड़े डंडे को एक कमरे में समाहित किया जा सकता है। अतः विकर्णों की जो संख्या होगी वो 4 होगी। इस प्रकार आप जान पाए कि किसी भी पिक्चर में किनारे किसे कहते हैं। तो किनारा भुजा को कहते हैं, इसी को हम लोग एज कहते हैं। एज जो है सो इंग्लिश वर्ड में इस्तेमाल किया जाता है, उसी को हिंदी मीडियम के विद्यार्थी लोग भुजा के रूप में जानते हैं। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक, कमेंट तथा शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।